हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है पानी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त भी पाकिस्तान का जो आपका खर्च चल रहा है वो ओवरसीज पाकिस्तानी और यूथ जो आज छोटे छोटे अपने आईटी सेंटर्स लेके बैठे हुए हैं जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वजह से चल रहा है आप

Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work? a podcast by Pro Pakistani. Uh, she is a senator, she's an engineer, and she is the chairperson of the Engineer Parliamentarians Caucus. Ruksana very. thank you so much for being on the podcast. Um. Achha, before we get into energy, population, both are different topics. We have heard about the Engineer Parliamentarians Caucus exactly. Hai kya? Uh, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है मसाइल पानी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे मसले जो है, ये हैं ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और हमारे मुल्क का ज़्यादा पैसा इसी में जाता है इन्हीं में और यहाँ पे इश्यूज आते हैं ख़ासतौर पे पार्लियामेंटेरियंस क्योंकि वो एक मॉनिटर मॉनिटरिंग है उनका काम तो इसको ये बनाया है पाकिस्तान काउंसिल नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर टू असिस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन गेटिंग टू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम के क्या क्या मसला मसाइल हैं इसके और उनको हेल्प आउट करें ताकि वो पर्टिनेंट इशूज़ रेज कर सकें और इससे मसाइल के हल की तरफ जाया जाए अभी हमने जो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव लिया है वो है पाकिस्तानी वर्कर्स जो बाहर काम कर रहे हैं ज़्यादातर वो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री के साथ हैं उनका सर्टिफिकेशन का मसला आ गया है कि उनके पास सर्टिफिकेशन हो तो वो कंटिन्यू करेंगे तो उसके लिए काम कर रही हूँ मैं और भी उसके लिए हम जा भी रहे हैं एक हम हमारे किस किस्म की सर्टिफिकेशन की जरूरत है ये एनी जैसे अब आप ये यहाँ पे जितना भी इक्वमेंट है इसको खोलने के लिए इसको मेंटेन करने के लिए यू आर सपोज टू हैव अ सर्टिफिकेशन के आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर एयर कंडीशनर को hmm. इस पर्टिकुलर गाड़ी को आप खोल सकते हैं hmm. वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं पे हमें जाना पड़ेगा hmm. uh, as, as अच्छा और अभी आपने बात की ऑबिय हमारे फॉरेन डाइसफ्रा है लोकल है बिगर प्रॉब्लम पाकिस्तान जो हैजमेंट इतने ज़्यादा लोग हैं और ऑबी फाइन रिसो हैं अभी पाकिस्तान में एक लैक ऑफ अर्जेंसी कह सकते हैं आप उसको यहाँ इतनी तवजो नहीं इस बात पे दी जा रही कि हमारी पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और ऑबियसली हमारे रिसोर्सेज उस पर मतलब रेशो वाइज कम पा रहे हैं आपको लगता है कि ये जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं पाकिस्तान में इसको आर दे गिविंग एट इन अटेंशन या इस पर मजीद और अटेंशन दी जानी चाहिए देखिए इसके दो पहलू हो सकते हैं एक हमारे सामने है चाइना का मॉडल उनके यहाँ भी बेपनह आबादी थी और उन्होंने उस आबादी को कंट्रोल स्किल देकर कंट्रोल कंट्रोल में तो आप उसको शॉर्टन कर रहे हैं आपने उस आबादी को आपने स्किल्स दी और उनको यूजफुल मेंबर ऑफ द सिखाया बनाया उनको नतीजा यह है कि टुडे चाइना हमारे तकरीबन साथ ही आज़ाद हुआ था ना उसके बाद अब आप देखें कि कहाँ है वो तो हमारे पास क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादातर यूथ की पॉपुलेशन है तो आबादी को कम करने का बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है कि आबादी को कम करने के एफ़र्ट्स किए जाएँ साथ साथ जो ऑलरेडी लोग हैं उनको तो कम नहीं कर सकते आप तो उनको आपने एक जंगी बुनियादों पर एमरजेंसी है उनको स्किल्स देनी है और उनके लिए जॉब्स ढूंढने हैं बिल्कुल और दूसरे मुल्क में ये हो रहा है कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ज़ीरो फाइनेंसिंग पे लेके जा रहे हैं उनको और उनको कहते हैं कि अच्छा आप ये काम सीखिए सीखने के बाद वो उनको मुल्क से बाहर भी असाइन दे देते हैं और उसमें उनका कोई खर्च नहीं होता हमारे यहाँ की तरह उनके अखराजा नहीं होते कोई भी एंड कैन जस्ट गो एंड अर्न फॉन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान इस वक्त भी पाकिस्तान का जो आपका खर्च चल रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और यूथ जो आज छोटे छोटे अपने आईटी सेंटर्स लेके बैठे हुए हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वजह से चल रहा है आपका आपका जो टोटल टोटल आपकी जो एक्सपोर्ट है टोटल अर्निंग ऑफ पाकिस्तान और जो आपको यहाँ से आ रहा है जो यूथ आपको पाकिस्तान में रहते हुए जो कमा के दे रहे हैं और जो बाहर से आ रहा है, दैट इज़ मोर देन दैट अच्छा बिल्कुल आपने बात सही की ओबियसली जो पॉपुलेशन है उसको तो आपने किसी तरीके से काम पे लगाना है उसको प्रोडक्टिव करना है उसकी उनकी वेलबींग well की तरफ देखना है एज ऑफ राइट नाउ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ में एक जिस तरह आपने चाइना मॉडल की बात की तो चाइना में फिर देर वॉजोली प्लानिंग क्या आपकी पार्टी में अभी इस तरह की कॉन्वर्सेशन चल रही है इस बात पर देखिए हमारी पार्टी जो है प्रोग्रेसिव पार्टी और हम हर चीज़ में वी आर प्राउड पार्टी लीड लेती है अभी हमारी जो नेशनल असम्बली में खातन थी और जो हमारी सेक्रेटरी विमेन कॉकस पार्लियामेंटेरियन कॉकस थी uh, शाहिद रहमानी अभी हाल ही में अब दोबारा इन इलेक्शन लड़कर लड़कर वो आ जाएंगी उन्होंने मुस्तकम पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया और उसमें उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमा करके जो इश्यूज़ हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन का इशू है पॉपुलेशन का इशू है डिफरेंट इशूज़ के ऊपर सहर हासिल बहस विद द एक्सपर्ट्स

में हर पाकिस्तान के हर सूबे से हर जगह से लोग कराची इज द बिगेस्ट हब ऑफ लोकल इमिग्रेंट्स वो उसकी उसकी आबादी कम कर दी आपने ना बड़ी अजीब सी बात थी लेकिन उस पर एज यूजल हालांकि वो आ, बहुत उस पर पैसे खर्च होते हैं सेंसस इज नॉट अ स्मॉल थिंग बट ये आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद बहुत बड़ी उसमें गलतियां थी और उसकी वजह से देखिए हमारे अनफॉर्चुनेट uh, ये है कि हमारा जो एन एफ सी अवॉर्ड जाता था वो जाता था सिर्फ के so, हमारे अगर आपने resources एक शहर के या एक कम के कम कर दिए हैं तो यू और इस वक्त उसकी वजह यही है कि जो हमारा शेयर बनता है एन एफ सी में वो भी हमें नहीं मिल रहा है That is the reason. और इस पे हम वापस आते हैं पहले इन दिगिनिंग ऑफ देशन आपने एक बात की थी माइग्रेशन की बहुत सारे को और मतलब हकीकत है बाहर जाना पड़ेगा फॉर अपॉर्चुनिटीज uh, uh, उससे ये भी होगा फॉरेन रिमिटेंस आएगी एक्सेट्रा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 94 परसेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 60 है आई बिलीव अकॉर्डिंग टू द फिगर्स दैट वी हैव माइग्रेशन अंडर द एज ऑफ सिक्सटी साठ so, oh 60 yeah. से नीचे नब्बे oh, yeah, से ऊपर पाकिस्तान है उसके हैं जो बहुत आइडेंटिफाई करते हैं कि बिल्कुल मेजोरिटी गुड नंबर इज और बार -बार भाई इस यूथ के लिए कुछ करो mm. और हर जगह वो इंटरेस्टिंग था जब अभी के लिए आ रहे थे तो so mm. यंग लोग भी आए अच्छा. आपको पता है आपके यहाँ पे उम्र की क्या रिक्वायरमेंट mm. चेयरमैन ने कह दिया यूथ को लेंगे तो <laughs> बीस साल इक्कीस साल के लोग इंटरेस्टिंग टू सी दैट और अब ये जो 20 साल इक्कीस साल के लड़के हैं या लड़कियां हैं अब इनको माइग्रेशन रिलेटेड क्या हमारे आपके ओपिनियन में हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि हम इनको पाकिस्तान में जितने हैं रखें या शुड वी मेक ईज़ ऑफ माइग्रेशन पॉसिबल ताकि ये कनाडा जाएं अमेरिका जाएँ ऑस्ट्रेलिया जाएँ कतर जाएँ जहाँ पर भी देखिए मैंने इंजीनियरिंग किया जी और इंजीनियरिंग इज़ इज ए वेरी एक्सपेंसिव फील्ड ओके वो सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे हुँ. किया क्योंकि हमने तो स्कॉलरशिप पे पढ़ा ओके okay? इस वक्त अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया हर जगह पाकिस्तानी इंजीनियर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स दे आर दे आर सर्विंग दैम वेल और उन्होंने उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया उन मुल्कों का उनकी इस स्किल में कोई हाथ नहीं था एक रुपया भी उन्होंने खर्च नहीं किया उनको ट्रेंड मैन पावर मिल गई ठीक है तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जो हाई एंड जहाँ पे हम बहुत खर्च करते हैं जिन लोगों पे उनको रोकने की कोशिश करें क्योंकि शॉर्टेज हो गई है अभी डॉक्टर्स की इंजीनियर्स की शॉर्टेज हो गई है यहाँ पे और हमारे जो यूथ है उसको हम वो स्किल्स दें जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसकी पाकिस्तान को भी ज़रूरत है तो जो चाहेगा वो मिसाल के तो तौर पर आई डेंट चूज़ टू गो अब्रॉड ठीक है ना तो आप अपने यूथ को वही आप देंगे अपॉर्चुनिटी कि आप जाना चाहते हैं जरूर जाइए आप रहना चाहते हैं जरूर रहिए है आपका मुल्क है तो अगर हम इस वक्त जिस पोजिशन में है अगर हम इस वक्त बहुत ही आ, बहुत ही बड़ी बुनियादों पर हाई स्केल के ऊपर हम उनकी स्किल्स ट्रेनिंग करें और हर इंडस्ट्री हर बड़ा फैक्ट्री वो अपनी अपनी कैपेसिटी के, के हिसाब से 20 25 30 लोगों को ऑन जॉब स्किल्स दे दें तो वो बाहर भी जा सकते हैं hmm. और वी शुड फैसिलिटेट वी हैव टू कम अप विद द अपल्यूशन कि जिसमें जो बंदा इसके ले रहा है या जो बंदा जाना चाह जा रहा है hmm. उसको एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े hmm. हमें मुख्तलिफ़ फ़ीसेस देनी पड़ती हैं फिर वो कहते हैं इतने लाख रुपये ये दे दो ये Bilkul. सब हमें ख़त्म करना पड़ेगा hmm. uh, तो वी नीड टू फैसिलिटेट दैम कि आइए आप ट्रेनिंग hmm. कीजिए ट्रेनिंग भी फ्री अवेलेबल हो स्किल्स hmm. भी अवेलेबल हो और उसके बाद उनसे कहा जाए जनाब ये कंट्री में आया है आप जाइए आप जाएं जहाज में बैठें और चले जाएं वहाँ काम शुरू करें नो नो मनी शुड बी रिक्वायर्ड दैट इज द ओनली इन माय ओपिनियन और इस पे क्या कोई काम चल रहा है इस सोल्यूशन में देखिए अभी बांग्लादेश में इन्होंने काम किया इस पर उन्होंने जीरो फाइनेंसिंग का कांसेप्ट लाया जीरो फाइनेंसिंग का मतलब है कि अ अ पर्सन हु 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 इज़ 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 विलिंग विलिंग टू गो अब्रॉड और लुकिंग फॉर जॉब जस्ट नीड्स टू बी गिव ट्रेनिंग उसको स्किल्स दी उसको जनरल बिहेवियर

इकोनॉमिक फैक्टर जैसा इकोनॉमिक फैक्टर वहाँ का क्या कंडीशन है अपॉर्चुनिटीज क्या है एरिया कितना बड़ा है उनके पास जैसे जैसे बलोचिस्तान इतना बड़ा एरिया है ठीक है पाकिस्तान का सबसे बड़ा है आपको लगता है इंटरनल माइग्रेशन भी हो सकती है ऐसे कि लोग जिस तरह जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको छोड़ के जाके सिर्फ अंडर पॉपुलेटेड एरियाज में रहें देखिये वो जब हो सकती है जब वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देंगे मिसाल के तौर पर चाइना में एक सुबह है ईवो जो हमारे साउथ पंजाब के तरह का था ना वहाँ इंडस्ट्री थी ना वहाँ एग्रीकल्चर था hmm. तो उन्होंने क्या किया चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग्स अट्ठारह मंजिल बीस मंजिल सफल कमर्शियल बिल्डिंग्स उन्होंने बना दी hmm. और बनाने के बाद उन्होंने कहा कि पूरे चाइना में जो प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट का शोकेस ये हो जाएगा hmm. अब आप एक अनएम्प्लॉयड एक खातून हज़रत कोई भी हों वो अप्लाई करते हैं उनसे कहते हैं जी ये शॉप है इसमें ये ये चीज़ें आप इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं मिसाल के तौर तो पर जनरेटर्स रख सकते हैं मिसाल के तौर तो पर बैटरीज का उन्होंने यानी क्लस्टर्स बना दिए और उसके बाद उन्होंने ये किया उनसे कहा कि जी एक साल तक ये फ्री है आपको ये जगह जो सामान है वो बिकेगा वो कंपनी डायरेक्टली बेचेगी ये दिस इज़ शोकेस यू आर हैंडलिंग इट यूर मीटिंग द क्लाइंट्स आप अच्छी तरह पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट को एक साल तक आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि आप आ जाएं और आप पे करना शुरू कर दें रेंट अगर नहीं कर सकते तो फिर आप छोड़ दें इसको कोई और कर लेगा सो दैर इज़ एन इंसेंटिव ऑल्सो एंड आपको रेडी टू दो थिंग्स मिल गई और उन लोगों का दूसरे शहरों में जाके और बड़ी कसम की हालत में अगर आप आ, कभी कराची आना हो मैं आपको शो करती हूँ कि किसी चौराहे पे आप खड़े हो जाएं किसी चौराहे पे वहाँ पे ख़वात रहीम यार खाम लियातपुर मुल्तान के आसपास के जो उनके उनके जो नो सबब हैं रूरल एरियाज़ हैं पाँच छः सात बच्चे उनके साथ बचा रहे छोटे छोटे कोई गोद में कोई हाथ पकड़े हुए हैं किसी का कोई कहीं काम करने जाएगा इस तरह इट्स अ वेरी पैथेटिक और हुँ। वो छोटे छोटे बिल्कुल घरों में बीस बीस हज़ार और पंद्रह पंद्रह हज़ार किराया देकर रह रहे हैं तो देविंग तो की तरफ बढ़ रहे हैं with this kind of... और आपने घरों की बात की और मैं इसी पे थोड़ा फोड़ सा एलेबोरेट भी करना चाहूँ अगेन करेक्ट मीफ आई एम रॉन्ग लेकिन फिफ्टीन पॉइंट फाइव मिलियन और घरों की हमें जरूरत होगी दो हजार चालीस तक आई uh, है ऐसा रहा है कि इस तरफ जा रहा है इसमें भी फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उस हाउसिंग क्राइसिस में सिर्फ ये नहीं है कि हमें फिफ्टीन मिलियन घर बनाने है लेकिन हमने अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है बहुत सारे लोग हैं आई अंडरस्टैंड बहुत मेगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में बट अफोर्डेबल भी होने चाहिए अगर आ, 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 मतलब, आप मतलब आपने बिल्कुल ठीक बात एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इज़ अफोर्डेबल और देखिए अभी आ, जो अफोर्डेबल जैसे हमारे यहाँ जो फ्लड्स आए थे पिछले जो फ्लड्स आए थे उसका ठीक से अभी रिकवर नहीं कर सके थे हम अब दोबारा फ्लड्स आ गए और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको आई वाज अ यूएन कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी कहना चाहिए इसे क्योंकि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो आपका Losses होता है लॉस होता है ये नहीं कवर कर पा रहे सालों गुजर रहे हैं हम नहीं कवर आप सोचें उन लोगों की हालत जिनके सर पे छत नहीं रही है hmm. अच्छा अफोर्डेबल का जो है वो हमारी एक आर्किटेक्ट है वेरी रेनाउंड आर्किटेक्ट यासमिन लारी साहबा अच्छा उन्होंने बेम्बू और चूने से hmm. उन्होंने बनाए जिसकी hmm. उस वक्त कीमत आज से कोई बारह तेरह साल पहले वो आ रही है थाउजेंड रुपीज़ आ रही थी अच्छा ठीक है फोर्टी थाउजेंड आ रही थी और मुझे वो इसलिए लेके गई थी कि मैं उसमें सोलर प्रोवाइड कर सकूँ सम हाउ एंड देन इट वाज वेरी गुड और जहाँ हम बैठे थे उन्होंने इस तरह किया था कि ये बेम्बू एंड ये दोनों चीज़ें पानी से इनको कुछ नहीं होता hmm. चूने को भी कुछ नहीं होता बेंगू को भी कुछ नहीं होता hmm. और उन्होंने इस तरह बनाया था कि दो तीन स्टेप आप चढ़कर और एक एक जिसमें जानवरों को खड़ा कर सकते हैं एक चबूतरा सा बना दिया थल्ला hmm. कहते हैं उसे चबूतरा hmm. बना दिया वहाँ पर उनका गजा भी रखी है hmm. बोरियाँ भी हैं उनके hmm. और आपने अपने जो आपका एसेट hmm. है जिससे घर चल रहा है उसको भी आपने सेव कर लिया और थोड़ा सा ऊपर जाके खुद के बैठने के तो वो जिस जगह हम गए थे वो ऑलरेडी सैलाब से गुजर चुका था मतलब पानी गुजर અને જો હે આપકો ડેમેજ જબ કરતા હે જબ વો ઉસકો રસ્તા ના મિલે હમ જબ આપને રસ્તા દે દિયા તો કુછ ભી નહીં હોગા જસ્ટ ગો વે તો વી હેવ ટુ ગો ફોર ધેટ অর અબેબી ટુ યે આ રહા હે બડે બડે એક્સપેન્સિવ કસમ કે પ્લાન્સ આ રહે હે આઈ માય રિઝર્વેશન ઇસ અબાઉટ ધેટ વી કે નોટ ઇસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કે વો સસ્ટેનેબલ હો અફોર્ડેબલ હો સસ્ટેનેબલ હો તબ તબ વો હમે હેલ્પ કરતા હે ઓર ઉસ અફોર્ડેબિલિટી મે જો અમારી ઓરિજિનલ કન્વર્સેશન હો રહી થી જોબ્સ ભી બહોત મેટર કરતે હે ને તો અગર હમે अगेन करेक्ट मी फॉर्म एम रॉन्ग लेकिन 104 मिलियन और जॉब्स चाहिए होंगे 2040 तक तो कुछ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज जो स्किल्स की अब बात कर रही हैं बिकॉज जो भी हो चालीस हज़ार का भी घर हो किसी आपने इतने अच्छा। ज़्यादा लोगों को काम पे लगाना है कि वो एक्स अमाउंट कमा रहे हों ताकि वो ऑबियसली अपनी लाइवलीहुड मेनटेन कर पाएँ पर्टिकुलरली इस पर क्या काम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटीज़ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी जो है वो आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ ग्रोथ डेवलपमेंट रुका हुआ है डेवलपमेंट रुका हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी, ठीक है जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप लोगों को एम्पावर करें उनको स्किल्स दें ये भी ये भी एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी इंडिया हैज कम अप विद अ प्रोग्राम जिसमें वो उनकी पुरानी स्किल्स जो हैं जिनकी सारी दुनिया में मांग भी है क्राफ्ट्स क्राफ्ट्समैन मैन बिल्कुल उनको ना सिर्फ वो ट्रेनिंग दे रहे हैं

आप एजुकेशन अगर चेंज करेंगे पहली बात तो हमारा करिकुलम चेंज की बात हो सकती है फिर ऑब्वियसली सिर्फ सिंपली ये है कि देर आर नॉट अनफ स्कूल्स फॉर दी अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन जो अब अभी पाकिस्तान में है um, आपका क्या ख्याल है ये इज़ दैट हाउ कैन यू चेंज दैट और अभी इस पर क्या काम चल okay, रहा है ओके आज हमारी एजुकेशन कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी मैंने ये बात की देखिए हाउ कैन वी चेंज इट हम अपनी अपने जो रिसोर्स हैं hmm. उनको हम एफिशेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं ठीक है hmm. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़े बड़े कॉलेजे हैं उनके चारों तरफ का इलाका वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद हो जाते हैं ओके okay? तो दिस इज़ नॉट ऑन हमारे पास अगर रिसोर्स हमें बनाने हैं स्कूल्स कॉलेजेस हम वी कैन वी कैन पुट अप स्कूल्स कॉलेजेस देर वी कैन ओपन डोर्स वी कैन स्टार्ट टेकिंग पीपल लिविंग नियर बाय और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको वहाँ पे स्किल्स भी दें hmm. और अगर हमारा थोड़ा सा ओपन एरिया जो है hmm. वो अगर यूज हो जाता है इन सम वर्कशॉप्स और समथिंग लाइक दैट इट्स वर्थ आप बहुत अच्छे एनवायरमेंट बैठे हैं और दूसरा बंदा जो है उसको खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही सो वी हैव टू लुक आफ्टर वी हैव टू कम अप एफिशिएंट सॉल्यूशंस जो आज के हालात में हमारी आज की रिड्यूस्ड इनकम में हमें सहारा दे सकें हमें आगे बढ़ा सकें लेकिन इस बात पर हम लोगों को नहीं छोड़ सकते कि जी अभी तो हमारे पास स्कूल नहीं है तो हम आपके लिए क्या करें

2.55 परसेंट एनुअल इंक्रीज़ रही है बिटवीन 2017 एंड 23 आपकी पॉपुलेशन की इसका ऑब्वियसली एक इफेक्ट अब अगर लेट से हमारे पास 100 स्कूल थे अगर आप 2.55 पॉइंट फाइव फाइव परसेंट लेट से टाउंड टू थ्री परसेंट पे इंक्रीज़ हो रही है तो जो भी आप सिस्टम्स बना रहे हैं मसला ये है एक दम से इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सिस्टम्स हैं उन पर बर्डन बढ़ता जा रहा है एंड आपने एक बात की जो आया था वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम इसका सिस्टम ही पलट दें राइट अगर आप ब्रिक एंड मोटर के तीन कैनाल का स्कूल बना रहे हैं तो आप ना बनाएं, आप आ, स्ट्रीट स्कूल्स बनाएं, आप बैम्बू के घर बनाएं, ये इनोवेटिव थिंकिंग हमारी हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही है कर रही है देखिए हम हम लोग जो हैं वी आर विक्टिम ऑफ आवर ओन हमारे हुँ. जो सोच है हम हर चीज़ में स्टेट ऑफ द आर्ट की बात करना शुरू कर देते हैं मुझे याद है जब 2008 का आया था जजिला तो उसमें प्रेसिडेंट जरदारी ने एक मीटिंग कॉल की थी ऑल स्टेक होल्डर्स की आई एस चेयरपर्सन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल तो जितने बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स जी स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ठीक है ये अल्लाह की तरफ से एक मुश्किल आई है पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम बेस्ट बनाए जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा जनाब मेरे सर पर छत नहीं है

एजुकेशन की बात होगी एम्प्लॉयमेंट uh, की बात होगी और इसी हेल्थ केयर का इशू है आई हैव स्टार्ट फॉर दैट वेल दैट देर सिक्सटी टू डेथ्स पर वन थाउजेंड इन्फेंट्स इन पाकिस्तान हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं गवर्नमेंट सेटअप्स में अब वही वाली बातें ना डॉक्टर पेशेंट रेशोज़ टू हाई नर्स पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा लोग हैं बहुत कम हॉस्पिटल हैं बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली आपकी इनफेंट डेथ्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा आपकी लैक ऑफ हेल्थ केयर आपको मिल नहीं रहा विद इन द राइट अमाउंट ऑफ टाइम इन चीज़ों पे क्या काम हो रहा है क्या काम होना चाहिए देखिए इन चीज़ों पे जो सलूशन्स हैं सोलूशन्स आते हैं सोलूशंस आते हैं लेकिन हम उन सोलूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं हम क्यों नहीं मैंने आपसे मैंने आपसे ये अर्ज किया ना कि जैसे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं क्या हम उन्हें ठीक से नहीं कर सकते यूज़ क्या हमारे स्कूल्स में एक कोई एक कोई पड़ोस में ही कोई रिटायर्ड डॉक्टर या कोई होगा बैठा हुआ जो आके प्रिवेंटिव उनको नहीं। नहीं। बता सके हफ्ते में एक दिन गुजार सके उनके साथ उनको बता सके कि तुम जो खा रहे हो ये कर रहे हो ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए ये हो सकता है ओनली थिंग इज़ देखिए हमने अपनी पॉपुलेशन को सेग्रीगेट कर दिया है हमने पीपल हु आर जिनको कोई मसले नहीं है ठीक है वो एक एक तरफ हो गए और पीपल जिनके मसले हैं उनके उनके मसले कोई देखने वाला नहीं है ठीक है और बीच में जो लोग थे उनकी तादाद भी कम होती जा रही है अब दिन ब दिन कम hmm. हो रही है क्योंकि वो उधर गिर रहे हैं उधर क्लास में बिल्कुल मिडिल क्लास इज श्रिंकिंग एवरी डेवरीडे इज एवरीडे सो वी रियली नीड टू डू थिंग्स विच आर पॉसिबल इनोवेटिव थिंकिंग आपके जो सीनियर सिटीजन हैं आप जाके कभी कौमी बचत की खड़े हो जाएँ वहाँ पर आपको नज़र आएंगे पीपल ऑफ़ पचास साठ साल की mm -hmm. उम्र से लेके जो रिटायरमेंट के बाद के वो सारे सारे बेनिफिट ले जाके लगा देते हैं वहाँ पे एंड देन इट्स अ डेड इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट ठीक है ना ठीक है आपको महीने पैसे मिल रहे हैं बट दे आर दे आर योर रिसोर्स ऑल्सो दे आर इंटेलिजेंट स्किल्ड पढ़े लिखे लोग हैं एक्सपीरियंस्ड वो एक्सपीरियंसड हैं देखिए मेक अ डिफरेंस अगर आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं अगर आप उनसे कहें कि आइए काम करें ठीक है ना मोहल्ले में मस्जिद भी होती है उसमें भी बैठ के कोई पड़ोस के डॉक्टर साहब जो है वो एक घंटा बैठ के देख सकते हैं यू नीड यू नीड जस्ट नीड टू हैव फैसिलिटेशन बिल्कुल और आप शुक्र करें कि आपके मुल्क में आ, इंडस हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल है एक पैसा उनके पास कैश काउंटर नहीं है बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं लोगों का कहना ये है कि इट इज़ इट इन सम बेटर हॉस्पिटल यू हैव एल आरबीटी जो आई uh, के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान का फ्री फ्री नॉट अ पेनी इवन मेडिसिन सो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं ईदी साहब हाउ मच डिफरेंस ही मेड ठीक है तो दिस कंट्री वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल पीपल जो वहां अपना इनपुट

एक बहुत बड़ा हमारा जो एसेट है आ, अगर आप बांग्लादेश को देखें अगर आप आ, बाकी दुनिया को देखें व्हाट दे यूटिलाइज इज़ हमारी औरतें आर वुमेन वर्क फोर्स राइट उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं फ्रॉम यू नो अनएलॉयमेंट टू एजुकेशन फर्टिलिटी रेट एग्जैक्टली अगर आप uh, हम हम उसको नॉर्मलाइज कर दें दी वुमेन इन दर्क फोर्स तो उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे uh, within not only the population uh, issue but also within aapki employment within aapki education systems bahut sari different hai health care aapka isme kya khayal hai are we moving too slow or are we moving at the best pace possible when it comes to women Um, नहीं हम हम अब ना बहुत स्लो हैं ना बहुत फास्ट हैं हम नॉर्मल जा रहे हैं हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है हर जगह अच्छा हाँ बिल्कुल और speed, ये स्पीड बढ़ाने मतलब क्या करना पड़ेगा टू हमें हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है हमें एम्पावर करने के लिए वुमेन को वी हैव टू हेल्प हेल्प देम हमें फोकस करना चाहिए जो जिसमें कुछ भी नहीं लगता hmm. उसमें उसमें दवा भी नहीं चाहिए hmm. उसमें कुछ नहीं चाहिए जैसे एक एक डॉक्टर साहिबा जो प्रोफेसर होंगे किसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में कहीं वो अगर बैठ के एक एज अ सोशल सर्विस वो लोगों को टाइम दें बताएं लेकिन उसकी उसका रिकॉग्शन होना चाहिए उसका हुँ. उसका एक सिस्टम होना चाहिए एवरीबडी नीड्स अ शाबाश फॉर इट एक सिस्टम हो यहाँ बिल्कुल पे, uh, और कोई तरीका हो जो इंसेंटिवाइज करे जिस तरह आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं बहुत सारी uh, या वर्क फोर्स को छोड़ने वाली लड़कियां हैं घरों को इंसेंटि जो किया, किया जाए या

अब ये स्किल्स uh, डेवलपमेंट का शुरू हुआ ट्रेनिंग का शुरू हुआ गवर्नमेंट कर रही है गवर्नमेंट hmm. का काम नहीं है भाई आप प्राइवेट लोगों को करने दीजिए बिल्कुल उनको करें। बिल्कुल फैसिलिटेट करें गवर्नमेंट शुड 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 हैव हैव रियलाइज दैट दैट दे ओनली वन जॉब एंड इज टू फैसिलिटेट बस hmm. और दूसरी बात दूसरी बात यह है कि आप योर आप रिसोर्स आप, आप पानी का तो जिक्र करते हैं कि पानी नहीं है और आप पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है पर ये जो आपके यहाँ प्लानिंग हैं जो आपकी पॉलिसीज़ हैं जो एक ख़ास तबके को मरात देती हैं hmm. वो सबको आपको देखना पड़ेगा मेजर ऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड अभी आ, पिछले दिनों हमारे आ, बहुत सीनियर हैं मियाँ ज़ार उन्होंने रेस किया और उन्होंने क्वेश्चन रेस किया उन्होंने बताया कि जिन लोगों को यहाँ पाकिस्तान में पेंशन हुई hmm. और वो मुल्क से बाहर चले गए दे हैड देयर गुड टाइम देवर इन गुड जॉब्स ठीक है अच्छा उनको आफ्टर किया इस मुल्क ने और इस मुल्क के अवाम ने वो चले गए अब उनकी पेंशन भी उनको डॉलर्स में मिल रही है हाउ कैन यू डू दैट देन देर इज अ क्वेश्चन ऑफ डबल पेंशन के अडॉक पे आए पुराने इंस्टीट्यूट से भी पेंशन मिल रही है और नए नए hmm. से रिटायर हुए तो यहाँ सैलरी भी मिल रही है पेंशन भी मिल रही है hmm. फिर यहाँ से गए तो इस तरह के जो हमारे बने हुए हैं ये ब्लैक होल्स हैं ये तो जितने भी रिसोर्सेस हों ठीक है तो वी uh, रियली really, uh, इस वक्त जो हमारा हाल हुआ है जो जो भी हमारा जो हमारा हाल मैं इसलिए कहती हूँ कि हम एक एक बिलियन डॉलर के लिए हम uh, इधर उधर जाते हैं तो हमें वी हैव टू रियली जैसे आपने कहा ना पोलिटिकल पार्टीज एंड दे हैव टू सेट टुगेदर ये हमारे uh, जो प्रेजेंट असरदार uh, ने कहा कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करो बिल्कुल यू कैन नॉट हैव इट लाइक पाँच पाँच साल की हुकूमत आया तीन साल चार साल हुकूमत टिके और वो फिर चली जाए और नए सिरे से सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज बिल्कुल जैसे आप देखिए हमने हमने जो किया था चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये हुआ कि आपने वो तो नहीं सुना ना मेरे अजीज़ हम बतों जो आपका एक चीफ ऑफ आर के कहता था कि मार्शल लॉ आ गया सब आया नहीं आया ना गिव क्रेडिट टू द पोलिटिकल पार्टीज़ में मतलब मैंने जो बटो नवाज शरीफ साहब ने बैठ के साइन किया था इट वर्क्ड सो चार्टर ऑफ अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कि भाई ये चीजें हैं इस पे तो हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होगी hmm. ये लोग हैं जिनको हम इधर से उधर नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट इज ठीक है hmm. no hmm. ना और so, ये बड़ा जरूरी है आपने अच्छी दो तीन पॉइंट्स रेस किए ऑब्वियसली ब्लैक होल्स जो हमारे बहुत सारे हैं उनको फिल करना फैसिलिटेट hmm. uh, करना आई थिंक ये बड़ी जरूरी चीजें गवर्नमेंट को करना इंसटेड ऑफ बीइंग

अच्छा आपने खैर हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैं आपका और ज्यादा खास टाइम नहीं लूंगा बस एक आखिरी सवाल है मैं आ, मैं भी एक जुमला कहना चाहूँगा जब आप आखिरी सवाल कर ले <laughs> चलिए ठीक है आप मुझसे जुमला कर लेना <laughs> आ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आखिरी जो सॉर्ट ऑफ हमारी कॉन्वर्सेशन में एक का टॉपिक मेरे जहन में आता है वो है क्लाइमेट रिजिलियंस क्लाइमेट चेंज ये सारी बहुत सारे बसवर्ड्रॉफिक जी एग्जैक्टली आपने कहा बिल्कुल अच्छा अभी हमारी जो शॉर्ट ऑफ रूरल एरियाज़ इम्पोविस्ट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हम जाते हैं बहुत सारे कन्वेंशन पे आप लोग जाते हैं और और वहाँ पे बात भी होती है दुख भी करते हैं हमारे लिए ले, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है एंड uh, हमें ना रिलीफ मिल रहा है ना हमारे पास कुछ समझ आ अभी जिस तरह Uh, इस्लामाबाद में अर्थक्वेक आया कल रात को ये दो तीन दिनों से आ रहे हैं छोटे छोटे अर्थ को मैं सुबह पाँच बजे उठाऊँ एक अर्थ से <laughs> तो पॉइंट ये है कि देर इज़ नेचुरल क्लाइमेट रेजिलियंस क्लाइमेट चेंज वट एवर कॉल मसले आ रहे हैं राइट right? uh, इसका क्या हल हो सकता है और अगर बाहर की दुनिया की कार्बन फुटप्रिंट की वजह से हमें अफेक्ट कर रहा है और वो हमें नहीं दे रहे पैसे तो आज चले वो तो एक अलग स्टोरी उनका उन्हें देनी चाहिए नहीं देने चाहिए हम क्या कर सकते हैं एज 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 पाकिस्तान या द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या हो सकता है टू फिक्स थिंग्स सबसे पहले तो हमें पाकिस्तानी बन के सोचना होगा नॉट ग्रेट ट्वेंटी टू ऑफिसर एंड नॉट द द सेनेटर एंड एंड नॉट मिनिस्टर ऑल दैट नो नो वी ऑल हैव टू रिड्यूज आर रिड्यूस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो हमारा मजहब भी कहता है कि ये ज़रूरत है और ये सर्फ है hmm. इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा उसके बगैर अगर हम आज नहीं जागे अब ये एक वक्त आ गया है जब दूसरे लोग हमें कहने लगे यू का कंट्री हेड कहता है कि आप देखें तो सही आप कर क्या रहे हैं hmm. आप चीप लेबर यहाँ से करते हैं फिर आप पार्टी करने के लिए आप कहीं और चले जाते हैं hmm. अपनी प्रॉपर्टी कहीं और बनाते हैं यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी वी नीड दिस इज अ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कंट्री ब्यूटिफुल पीपल स्मार्ट एनर्जेटिक हार्ड वर्किंग पीपल वी हैव टू केयर फुल अब लास्ट में जो बैलना चाहती हूँ वो ये कि देखिए पॉपुलेशन काउंसिल जो है उसने पार्लियामेंटेरियंस फोरम पे सबको इकट्ठा किया सारी पार्टी से मिलती हैं ऑफ़ एंड आउन उनकी मीटिंग्स होती हैं एंड इट इज़ वन ऑफ दोज मीटिंग्स जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा करते हैं बुलाते हैं उनके सामने चीज़ें रखते हैं एंड मेकिंग अवेयर एंड इस हद तक कि हमारी एम पी ए हैं बदीन से uh, तंजीला उन्होंने कहा कि कह जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनीड एनी डोंट नीड एनी एड और यू नो डोंट नीड थिंग हम जाके अवेयरनेस पैदा करेंगे एंड स्टार्टेड so, तो इस तरह पार्लियामेंटेरियंस uh, को लेने से ये फ़ायदा है उनको कि एटलीस्ट दे को डिफरेंट फोरम पे वो बात कर सकते हैं बता सकते हैं वेन आई वॉज इन मेट्रिक के बाद छुट्टियाँ हुई तो हमारा कोई दो महीने का तीन महीने होते हैं बीच में तो आई वर्क फॉर आ फैमिली प्लानिंग आउटफिट गवर्नमेंट की थी एंड इतना ज़बरदस्त काम था उस वक्त उनका कि दे वर प्रोवाइडिंग एवरी थिंग दे नीडेड कोई इशू नहीं था फंडिंग का उनको कुछ नहीं था एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग ठीक है ना पर ऑल ऑफ अ सडन हमने बस काउंट करना शुरू कर दिया कि जितने लोग दुनिया में आएंगे वो हमारे वोटर्स बन जाएंगे बस हम फिर वोट ज़्यादा ले लेंगे तो ये भी है ये, ये। भी है कुछ लोगों का अच्छा अब ये ये जो इस्लामी और ये सब जो लाते हैं ऐसा कुछ नहीं है बांग्लादेश में बांग्लादेश इज़ लेस इन पॉपुलेशन ना उनका ग्रोथ रेट हमसे कम है बिल्कुल और हम आज से पंद्रह साल पहले नाइन्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री थे आज हम फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं Where are we we going? Do do we want to be on the number नहीं <laughs> 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 नहीं आप बिल्कुल सही कह रही है और ये बड़ा एक अर्जेंट इशू है लोगों को समझ नहीं आ रही। आप लोग मतलब देखिए resources हम कितना जल्दी प्रोवाइड कर लेंगे ना आप, आपको ये चीज़ भी साथ साथ देखनी पड़ेगी अगर देखिए उनको अगर हम एम्पावर भी करते जाए ना साथ साथ hmm. तो वो वो प्रोड्यूसिंग हैंड्स बन जाएंगे hmm. अभी तो वो प्रोड्यूसिंग हैंड्स नहीं है वो तो यू नो अट बाय मुश्किल और उनके ना एजुकेशन है ना स्किल्स हैं क्या करें खैर इनशा खैर होगी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए भी डी मिस्टफाई हुई हो ये होता क्या है, है कैसे चलता है तो आई आज फाउंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट थैंक यू फॉर गेटिंग थैंक यू गैस फॉर वाचिंग इफ यू गैज इंजॉयड आर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉज सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट